वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों आज हम कंप्लीट बाथरूम के फिटिंग सिंपल फिटिंग्स दिखाएंगे, किस तरह से फिटिंग्स किया गया है और उसका मेजरमेंट क्या हुआ है। दोस्तों किस तरह से इस बाथरूम का मेजरमेंट किया गया है, कहाँ पास कितने में टॉयलेट और कितने में बाथरूम रखा गया है, एक ही साथ है दोनों। तो दोस्तों सभी का मेजरमेंट बताऊँगा, कंप्लीट वीडियो में बने रहना। दोस्तों हमने दोस्तों पौना बाई आधा का ब्रास एल्बो दिया है। दोस्तों ये अपना दोस्तों यहाँ पास इंडियन सीट रहेगा, जो कि दोस्तों इंडियन सीट के लिए हमने यहाँ पास दोस्तों जगह छोड़ी है 3 फीट। दोस्तों 3 फीट में यहाँ साइड दोस्तों अपना इतने में 3 फीट में दोस्तों इंडियन सीट रहेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पास इंडियन सीट लगेगा। उसके लिए यहाँ पास हमने फ्लश का पॉइंट्स दिया है। फ्लश का हमेशा दोस्तों राइट साइड पर नहीं देना, लेफ्ट साइड पर देना है, क्योंकि दोस्तों जो अपना फ्लश होता है उसका दोस्तों यहाँ से जो अपना वो लगता है, क्या बोलते हैं, कनेक्शन पाइप अपना दोस्तों यहाँ से एंगल वाल्व से दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड पर ही उसका फिटिंग्स होता है। तो दोस्तों हम लोग यहां से पाइपलाइन अगर राइट साइड पे ले जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत होता है। दोस्तों हमें हमेशा इसको लेफ्ट साइड पे ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसका मैं बताऊं तो टाइल लेवल से हमें यहां पास दोस्तों ये अपना 3 फीट का यहां पास चबूतरा बनेगा, यहां पास इंडियन सीट लगेगा। दोस्तों टाइल लेवल से हमें इसको मैक्सिमम 12 इंच, मैक्सिमम 14 इंच रखना है टाइल्स लेवल से, और इसके बाद दोस्तों इसे हमें मैक्सिमम इस टाइल्स लेवल से मैक्सिमम 16, मैक्सिमम 14 इंच इसको भी रखना है, मैक्सिमम 16, मैक्सिमम 14 इंच इसको दोस्तों टाइल्स लेवल से। और दोस्तों ये अपना जो फ्लोर लेवल से अभी सीट यहाँ पास हमें 1.5 फीट ऊँचेगा। दोस्तों ये अपना फ्लोर है यानी छत है, तो दोस्तों यहाँ से अपना दोस्तों 1.5 फीट ऊँचेगा। दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कुछ भी ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनाया गया। तो दोस्तों ये अपना टॉयलेट वाला एरिया था, और इसके बाद दोस्तों हमने बाथरूम का एरिया कैसे डिसाइड किया, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ से 3 फीट पे यहाँ पास मार्किंग किया है, और 3 फीट के बाद दोस्तों यहाँ से हमने पूरा बीचों बीच हमने शावर का पॉइंट्स खड़ा कर दिया है। यहाँ पास दोस्तों टी लगाया है, यहाँ पास हमने ब्रास टी दे करके दोस्तों पौना बाई आधा का यहाँ पास हमने पॉइंट दे दिया है एक टैप के लिए। और दोस्तों सिंपल फिटिंग्स है, यहाँ पास हमने कंसील्ड फिटिंग किया, कंसील्ड दोस्तों लगाया है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ हमने शावर का पॉइंट्स दिया है। दोस्तों इसे हमने यहाँ दोस्तों इसको 33 इंच, मैक्सिमम 32 इंच रख सकते हैं, 33 इंच तक दोस्तों हम यहाँ पास नल का पॉइंट्स रख सकते हैं बाथरूम पे। और इसके बाद दोस्तों 7 इंच पे इसको हमें रखना कंसील्ड को, इस पॉइंट से 7 इंच पे मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 7 इंच इसको रखना है। तो दोस्तों हमें इसको टाइल लेवल से पूरा टोटल कंसील्ड हमें रखना है। दोस्तों इसे हमें रखना है दोस्तों मैक्सिमम 38, मैक्सिमम 40 पे इस कंसील्ड को रखना है, और इसको दोस्तों मैक्सिमम 32, मैक्सिमम 30 से 32 तक इस पॉइंट्स को रख सकते हैं, और इसे शावर को दोस्तों मैक्सिमम हमें 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट रखना होता है। इसके बाद दोस्तों यही पाइपलाइन आता है यहाँ पास दोस्तों हमने दिया है किसका, बॉस बेसिंग का पॉइंट्स, बॉस बेसिंग का पॉइंट्स मैक्सिमम दोस्तों हमें टाइल लेवल से मैक्सिमम दोस्तों 18 इंच, मैक्सिमम 16 इंच इसको रखना होता है। इसके बाद दोस्तों ये पाइपलाइन आया कहाँ से है ये भी कंप्लीट बताऊँगा। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों वहाँ पास हमने बुश और दोस्तों टी लगा करके दोस्तों ये अपना टैंक से पाइपलाइन आता है, आप लोग देख सकते हैं, मैं उस साइड लेकर ही चलता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ बाहर, यहाँ पास दोस्तों टी लगा है पूरा। दोस्तों आउटलेट का कनेक्शन 1.25 इंच का है और इनलेट का 1.25 इंच का। दोस्तों यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर साइड से, दोस्तों मैं ऊपर भी दिखाऊंगा वाटर टैंक किस तरह से फिटिंग्स किया गया है। वाल यहाँ लगाया गया है और वाटर टैंक ऊपर फिटिंग्स हुआ है। दोस्तों यहाँ पास आउटलेट का कनेक्शन 1.25 इंच का है और इनलेट का 1.25 इंच का। तो दोस्तों यहाँ पास हमने दोस्तों टी दिया है और बुश लगा करके दोस्तों हमने इन अंदर साइड के लिए 1.25 इंच का फिटिंग्स किया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पास हमने एल्बो लगा करके नीचे, ये दूसरा फ्लोर है, 1 फ्लोर पे दोस्तों हमने दोस्तों वहाँ पास भी हमने 1.25 इंच का कनेक्शन किया है। दोस्तों ये डायरेक्ट अपना नीचे साइड के लिए जाता है, और यहाँ पास हमने दोस्तों ये अपना इनलेट के लिए है, टैंक पे जो इनलेट होता है हमने दोनों का यहाँ पास वॉल दिया है। हमें पानी को बंद करना होता है दोस्तों, ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाटर टैंक फिटिंग से उसको भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों ये इनलेट का है और ये आउटलेट का, दो ये अपना 1.25 इंच का है, ये अपना 1.25 इंच का इनलेट हुआ है। इसके बाद दोस्तों वही पाइपलाइन अपना ऊपर साइड के लिए आया, आप लोग देख सकते हैं यहीं पास हमने एयर पाइप को खड़ा किया। इसके बाद दोस्तों दोनों पाइपलाइन इनलेट और आउटलेट यहाँ से दोस्तों वाटर टैंक से कनेक्ट है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहीं पास हमने वाटर टैंक का फिटिंग्स किया है, ये अपना दोस्तों ओवरफ्लो का पाइपलाइन है, हमने नीचे के लिए किया है। और दोस्तों नीचे साइड हमने यूनियन बस दिया है, वॉल नहीं दिया, ताकि दोस्तों क्योंकि हमने नीचे ही वॉल को लगा दिया था, और दोस्तों यहीं पास हम यूनियन बस लगा दिए। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये अपना वाटर टैंक फिटिंग्स हो चुका है। इस तरह से हमने वाटर टैंक फिटिंग्स किया है, यहीं पास हमने एयर पाइप को खड़ा किया है, जहां से हम नीचे के लिए पाइपलाइन को ले जाएंगे वहीं पास हमें एयर पाइप को खड़ा करना है। ये अपना वाटर टैंक फिटिंग्स है दोस्तों, और दोस्तों हम चलते हैं नीचे साइड।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों ये इनलेट का है और ये आउटलेट का, दो ये अपना सवा इंच का है, ये अपना पौना इंच का इनलेट हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ साइड आया है अपना पाइपलाइन यही, तो दोस्तों ये सीधा अपना पाइपलाइन गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास हमने टी दिया है, यहाँ पास एक पॉइंट दिया है जो कि नल का है पौना इंच का दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पास हमने नीचे सवा इंच का टी लगाया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास हमने एक इंच का टी लगाया है जो कि आप लोग देख सकते हैं नीचे साइड एक इंच का दोस्तों पाइपलाइन गया है, पुराना फिटिंग्स था। तो दोस्तों हमने यहाँ पास बुश लगाकर सवा बाई एक का बुश लगा करके दोस्तों एक इंच पर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये अपना नीचे चला जाता है, यहाँ पास दो टैप के नल का है दोस्तों पॉइंट्स बनाया गया है जो कि दोस्तों एक है बोर वाला और एक है दोस्तों टैंक का, जो कि दोस्तों ऊपर से दोस्तों एक आएगा टैंक का पानी इस टाइप में और इसमें दोस्तों बोर वाला। तो दोस्तों यही कुछ फिटिंग्स था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।